बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर ख़िदमत हूँ शहर कराची के हवाले से बारिश की ताज़ा तरीन अपडेट लेकर। बड़ी अहम वीडियो है, मुख्तसर वीडियो है, उसको मुकम्मल देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मौसम की ताज़ा तरीन अपडेट इसी तरह मिलना शुरू हो जाएगी। नाज़रीन, सिंध के करीब थंडर स्टॉर्म और बारिश वाले बादल तश्कील पा रहे हैं, जिसकी वजह से कराची में हब्स का आलम है। 36 के करीब दर्जे हरारत इस वक्त कराची का चल रहा है और महसूस किया जाने वाला दर्जे हरारत 43-44 है। यकीनन बहुत शदीद गर्मी है, हब्स का आलम है, पसीने हैं, तो हमें सब्र तहम्मुल से काम लेना है, अल्लाह पाक से आफियत के सवाल करने हैं। इंशाल्लाह ताला 8 से 10 घंटे आपको मज़ीद इंतज़ार करना है। उम्मीद है कि आज रात में किसी वक्त या सुबह के औकात में शहर कराची में ये बादल बरसेंगे, ऐसा कहना है मौसमियात के माहिरीन का। बाकी हकीकत अल्लाह ताला बेहतर जानता है, ये पेशन गोई है और हमें पेशन गोई को पेशन गोई की तरह ही लेना चाहिए। गुज़िश्ता कल का अगर जिक्र करते हैं नाज़रीन, तो गुज़िश्ता कल भी सब ने बारिश की पेशन गोई की थी, ताहम थंडर स्टॉर्म कराची के बाहर बने, बरस के चले गए और ऐसी सूरत हाल जून में भी पेश आई थी, तो कल भी यही सूरत हाल रही है। बादल बने ज़रूर हैं, तमाम न्यूज़ चैनल्स की जो ख़बरें हैं वो दुरुस्त थी, लेकिन कराची का जो मौसम है वो बारिश बरसने के लिहाज से साजगार नहीं था, जिसकी वजह से कराची में बारिश नहीं हो सकी। ये थी कराची की ताज़ा तरीन अपडेट। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली अपडेट में। चैनल से वाबस्ता रहिए। अल्लाह हाफिज़।